कंट्रोल करने के बाद मेरी मॉडल का आप फेस देख सकते हैं, इनके जो फीचर्स हैं कितने ज्यादा इनहेंस हो गए हैं। टोनिंग को हम मजीद पॉपअप करेंगे। देखिए मुस्फा कॉस्मेटिक्स का जो ये कंसीलर है ना, जिसके साथ मैं कंट्रोल कर रही हूँ, ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है, कहीं भी कोई भी लाइन या पैच नहीं पड़ता। वुमन क्रीम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, हर कोई इसको नहीं संभाल सकता। मुस्फा कॉस्मेटिक्स का जो ये कंसीलर है जिसके साथ मैं कंट्रोलिंग कर रही हूँ, इसके बाद आप लोगों को पाउडर के साथ भी फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज़ रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, उतरता नहीं है और ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो इनके फीचर्स कितने इनहेंस हो रहे हैं, इनकी नोज कंट्रोल होकर कितनी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नाज़िक, उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। भाई फेस को कंट्रोल हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा। एक तरीका होता है क्रीम कंट्रोल करना और दूसरा तरीका होता है पाउडर कंट्रोल करना। तो आज की वीडियो में आप लोगों को फेस को कंट्रोल करना सिखाऊंगी। क्रीम कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, हर कोई इसको नहीं संभाल पाता, लेकिन आज जो मैं आपको क्रीम कंट्रोल करना बताऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, और किस प्रोडक्ट के साथ करूंगी वो तो बहुत ही सुपर डुपर है, जिसको अनप्रोफेशनल लड़की भी बहुत ईजिली यूज़ कर सकती है। तो जनाब मैं बात कर रही हूँ मुस्फा कॉस्मेटिक्स की। इसकी जो पैडल बेस है उसका नीचे डेमो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, 24 आवर्स स्टे करती है। इसी का ही ये क्रीम कंट्रोल है जिसके साथ आज मैं अपने मॉडल की नोज़ को और पूरे फेस को कंट्रोल करने वाली हूँ। छोटे से ब्रश के अंदर मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ली है मुस्फा कॉस्मेटिक्स के कंटूर की, और यहाँ पे मैंने नोज़ के ऊपर अप्लाई करा है। आप लोग देखें कि ये कितना इजीली ब्लेंड हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको ब्रश के साथ भी ब्लेंड करके दिखाऊंगी और फिंगर के साथ भी ब्लेंड करके दिखाऊंगी कि अगर कोई लड़की अनप्रोफेशनल हो जिसको बिल्कुल भी ब्लेंडिंग ना करनी आती, वो भी बहुत ईजिली इसको ब्लेंड कर सकती है। अमूमन क्रीम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, हर कोई इसको नहीं संभाल सकता। देखिए मुस्फा कॉस्मेटिक्स का जो ये कंसीलर है ना, जिसके साथ मैं कंट्रोल कर रही हूँ, ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता, कहीं भी कोई भी लाइन या पैच नहीं पड़ता। इसी तरीके से मैं अब अपने मॉडल के चिक्स को कंट्रोल कर रही हूँ। कंट्रोल करने के बाद देखिए कितना ईजिली ब्लेंड हो गया है। अच्छा, क्रीम कंट्रोल करने के बाद हम इसको ऊपर जो है पाउडर कंट्रोलिंग से इसको सेट करते हैं, लेकिन मुस्फा कॉस्मेटिक्स का जो ये कंसीलर है जिसके साथ मैं कंट्रोलिंग कर रही हूँ, इसके बाद आप लोगों को पाउडर के साथ भी फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज़ रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, उतरता नहीं है और ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो ये थी मेरी आज की कंट्रोलिंग की छोटी सी वीडियो, जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ की वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी, और मैं इसी के साथ कंट्रोलिंग करती हूँ। क्रीम कंट्रोल जो है ना वो बहुत ही हसीन होता है। पाउडर कंट्रोल ये कि थोड़ा मेकअप करने के बाद वो लाइट हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग अपने फेस के ऊपर क्रीम कंट्रोल करें तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। कंट्रोल करने के बाद मेरी मॉडल का आप फेस देख सकते हैं, इनके जो फीचर्स हैं कितने ज़्यादा इनहेंस हो गए हैं। ब्लशर भी यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब कंट्रोलिंग को हम मजीद पॉपअप करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, अपने कंट्रोलिंग के नीचे मैंने इसको अच्छे से इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पर पाउडर के साथ इसको नीट कर लूँगी। मुस्फा कॉस्मेटिक्स के जो बेस के रेट्स हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, मैं इनका नंबर भी आपको स्क्रीन पर दे दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मैंशन कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने हाईलाइटर भी मुस्फा का यूज़ किया था, लिप ग्लो मैंने लगा लिया है। कंट्रोल करने के बाद आप मेरे मॉडल का फेस देख सकते हैं, इनके फीचर्स कितने इनहेंस हो रहे हैं, इनकी नोज़ कंट्रोल होकर कितनी खूबसूरत लग रही है, और जो मैंने चिक्स कंट्रोल किए थे तो वो कितने ज़्यादा इनहेंस हो रहे हैं, लग रहा है कि हाँ एक बहुत अच्छी से कंट्रोलिंग की गई है। तो आप लोग भी आज से क्रीम कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, वो भी मुस्फा कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट के साथ। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। दो में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।